उत्तरकाशी में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंशी लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ में कार्यवाही करने के लिए जनपद में मुहिम उद्यन चलाई हुई है, जिसको लेकर उन्होंने सभी क्षेत्राधिकारी और SOG की टीम को सक्रिय रहकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार और प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह द्वारा सुराग रस्सी पता रस्सी पर चेकिंग अभियान चलाते हुए शाहिल नाम के युवक को 900 ग्राम अवैध चरस के साथ में गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ में गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर कोतवाली मनेरी में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी से विनीत कंसबाल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो एक ड्रीम है ड्रग फ्री देवभूमि बाय 2025, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने कल कोतवाली मनेरी में रेगुलर चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अवैध चरस का परिवहन करते हुए। और ये व्यक्ति जो है, इसका नाम शाहिल है और ये जनपद पानीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके कब्जे से 900 ग्राम चरस जो है हमने बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। जो ये अभियुक्त पकड़ा गया है, इसके आपराधिक इतिहास की हमने खंगाला जा रहा है और इसी के बेसिस पे हमने 8/20 NDPS कोतवाली मनेरी में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस टीम में SOG और कोतवाली थाना कोतवाली मनेरी के लोग जो थे शामिल थे। और इस तरह की जो ये हमारी जो अवैध नशा तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई आगे भी जारी है।